हाय, दिस इज नेहा गुप्ता एंड दिस इज एक्टर हैरी। हम आए शायना खत्री के चैनल पे अपनी वेब सीरीज का अपने वेब सीरीज के बारे में बताने के लिए। मेरा गला बैठा हुआ है, वह खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने गले को गले को पर आप बने रहिए वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हाँ पूछो ही मत, बहुत ही अच्छा सीन था। अच्छा बहुत अच्छा। हम लोग आधा आधा टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, फोटोज वीडियो खींच रहे थे। मैंने इसकी नंगी नंगी फोटोज खींची, नंगी नंगी फोटो ना खींची थी। प्यारी प्यारी फोटोज खींची। ट्रेंड चल रहा था बेड पे लेट के ऐसे फोटो खींचने का, ये ऊपर से खड़ी हो गया से फोटो खींच रही थी मेरी। वो ये ना ज्यादा ना, वो क्या है ना, इसका पहले से आदत है, ये जो भी नई लड़की देखता उसी से चालू हो जाता फ्लर्ट करना। तो ये मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा, मैं हूं ही सुंदर, मैं फिसलती जा रही थी, ये बोलना भूल गई है। तो बात ये है, एक्चुअली गाइस मैं रिलेशनशिप में नहीं थी, तो मेरा क्या ना, मैं कुछ बोर होता तो मैं लड़कों से फ्लर्ट करना चालू कर देती। ऐसे ही मैं इससे बोल रही थी, आप बहुत आ गई ना, वही आ गई, आप बहुत सेक्सी हो, बस टाइम पास के लिए इसने सीरियस ले लिया उस चीज को। मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे को बोल रही है आप इतने हॉट हो, इसने ना वो वीडियो बना के अभी तक फोन में रखे है। फिर मैंने बोला ऐसे दे दे पर इस कमी ने कि उसमें वो नहीं चला कि दे दे। हमारा सीन शुरू होने वाला है। ये बंदी ठहरी, ये होते नहीं है जो जिनकी दाढ़ी नहीं उगती, कौन होते हैं कोरियंस लोग, सीन के बारे में पूछ रहे, पर्सनल लाइफ नहीं पूछ रहा, सीन मतलब मैं बता रहा हूँ, सीन भी शुरू होगा, रिलैक्स। तो क्या होता है, मेरे कोरियर के बारे में ज्यादा बकवास नहीं करनी। एन्यो मतलब उसका मतलब होता है, मतलब उसका क्या होता है, हाय होता है, हाय। मुझे पहले लगा केंदी भी कि तुझे अन्य हो, मतलब कि यू आर ब्लाइंड, अन्य हो, अन्य ऐसे होता है ना, ना पढ़, मतलब क्या बोलते, पढ़े लिखे गवारों का हालत ऐसी होता है, पढ़े लिखे गवार हम ऐसे ही होते हैं। और ये अनपढ़ों पे फिसलती है, तुझे ज़्यादा पता, बड़ा पढ़ा अनपढ़ है। हम आते हैं बेड पे, तो बेड पे परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था हम दोनों का। असली परफॉर्मेंस नहीं था वो, मतलब हमें डायरेक्टर ने बोला कि चलो करते हैं, हमने बोला ठीक है चलो करते हैं, हमने लगाया बीच में तकिया और हम लोग स्टार्ट हो गए, जैसे इंटीमेट सीन्स होते हैं जैसे आप लोगों ने देखे ही है। और उसमें मैंने इसको नाखून मारे बहुत सारे, पहले तो बहुत वजनदार थी तो ज्यादा बोलना। मेरा एक्चुअली गाइस एक्सीडेंट हो गया था, जैसे सबको पता है, तो मेरा वेट बढ़ गया था, गिर के बढ़ गई थी, एक्सीडेंट हुआ था, ये फूल गई थी, पड़े पड़े अच्छा, नहीं फूल जाता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इतनी भी नहीं फूली थी मैं, पर नहीं अब बहुत ही अच्छा लुक आ चुका है, अब बहुत ही, चलिए खैर मैं नहीं ज्यादा तारीफ करता। मेरे सीक्रेट्स, सीक्रेट्स कुछ नहीं, अच्छी है प्यारी बच्ची है, सीक्रेट्स इसके कुछ नहीं रखे, बस इसमें हाँ मैं सीक्रेट बताऊँ। देखो ये हर नई लड़की पे लाइन मारता है, इसका दूसरा सीक्रेट ये है कि एक सेकेंड याद आ रहा है, दो मिनट एक सेकेंड, दूसरा सीक्रेट ये है, दूसरा सीक्रेट बोल गया सीक्रेट। रुक जाओ गाइस, रुक, तू अपना, तू मेरा बता, मैं तेरा बताती हूँ। हाँ दूसरा ये है कि ये एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिश है, मतलब जो किसी को नहीं पता, मे बी है ना, किसी को नहीं पता, नहीं पता ये बहुत अच्छे हेयर स्टाइलिश है, किसी को भी अपने हेयर्स बनवाने हैं तो प्लीज मिस्टर हैरी से कॉन्टेक्ट करें आप। और किस किस में, और अपनी बेइज्जती करवाने में बहुत अच्छी है इसको, हम, मैं, शाइना, हम लोग सब मिलके इसकी बहुत अच्छे से बेइज्जती कर सकते हैं, ये इसका ये सीक्रेट है, बट ये टैलेंट है आपका, टैलेंट है, यस ये टैलेंट है आपका। और क्या पूछा था आपने मेरे से, सीक्रेट्स बताने ना, सीक्रेट बताने हैं क्या, सीक्रेट देखो मैं बताता हूँ, इस लड़की का सीक्रेट ये है कि ये मानना नहीं चाहता कि इससे पसंद करती है, ये मानना नहीं चाहता, ये मेरे को पसंद करती है, मेरे को पसंद करती है, सकल देखो सबको पता है कि मुझे कोरियन लोग पसंद, ये पहली मुलाकात है मेरे इंस्टाग्राम मर चुकी के मेरे फॉलोवर्स जो कहते हैं ना कि देखा एक बार तो, देखा एक ख्वाब तो, ये सिलसिले तो बस वही, मेरे को बात करने में शर्म आती है लोगों से, इसलिए मैं कभी किसी से सामने से बात नहीं करती, तो इसने सामने से बात करनी स्टार्ट की। सबसे अच्छा किन कपड़ों में लगता है हैरी के ऊपर, क्या चीज अच्छी लगती है? अब मैंने कभी इतना वैसे नहीं देखा,
देखा है, बताना नहीं चाह रही। मैंने कभी वैसे नहीं देखा, मैंने एज अ फ्रेंड ही देखा। मेरे को कभी ऐसे अपने को एक्टर पे गंदी निगाहें नहीं गई है मेरी। झूठ बोल रही है सारा सर। ये बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था, लाइक ऐसे नहीं कोई को एक्टर्स खाने को आ जाते तो ऐसा कुछ नहीं। तो हाँ ठीक है, 8.5। हाँ कुछ कुछ चीजें नहीं अच्छा है भाई, बहुत भारी है। मतलब 9 भी दे सकते हैं, बट मैं 10 तो अपने वाले को ही देती हूं। अपने वाले को दे दियो, मैं भी अपने वाले को 10 नहीं देता हूं। तो बात ये है मैं तो कि मैं भी इसको रेटिंग देना चाहूंगा 6। नॉर्मल है, बात नहीं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, पड़ गया। आप समझ सकते हैं फीलिंग हर्ट हो चुकी है। इन्होंने सच्ची पूछा था कि आप भी किन कपड़ों में अच्छा लगता है, ये भी शायद पूछा। Without shirt, you have abs ना? He have abs. He looks very sexy without his shirt. He doing so what you do like show up show up को क्या बोलते हैं? Flex. He's doing flexing his body like this every time. Whenever the scene start, he always do the same like this and all. किन कपड़ों में? हाँ। तो ज़्यादा इधर उधर चला गया मैं, भावना में बह गया। तो नेहा मेरे को कपड़ों में की बात नहीं करता, मैं जज नहीं करता कपड़ों से, बस वो लड़की अच्छी है, क्यूट है, बहुत क्यूट। ये तो डाइट मेंटेन करता है तो ज़्यादा नहीं खाता, ये देखता है कि किसमें प्रोटीन ज़्यादा है किसमें कार्ब्स है प्रॉपर, ये देख के तो वो मुझे पता है। मैंने पूछा था एक बार भी, चलो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं थे, ठूस-ठूस के खाती थी, ये अभी शुरू हुआ है इसका। I am foodie, I love food, जहाँ खाना दिखता वहाँ चली जाती हूँ। And I love ठीक है। लोग जीने के लिए खाते हैं, मैं खाने के लिए जी रही हूँ। हाय। हाँ। बैगन। बैगन। मैं खाने के लिए जीती हूँ गाइस, I love food। नहीं मैं भंडारे में भी जाके खाती हूँ गाइस। मेरे पापा लाए। ये गाड़ी स्टार्ट कर, लंगर लगा, चल चल। मेरी इससे बॉन्डिंग बन गई थी, तो मेरे को जब किसी के साथ बॉन्डिंग बन जाती तो मेरे को अनकंफर्टेबल नहीं होता मोस्टली, तो अच्छा गया सीन्स तो मोस्टली। और मैंने इसके साथ कितनी सीरीज की है? मैं भी बोली। मैंने इसके साथ चंडीगढ़ में कितनी, दो मेरे दो सीरीज चंडीगढ़ में की, फिर उसके बाद मैंने इसके साथ नॉन बोल्ड किया और अभी भी कर रही हूँ वो भी ना। तो नहीं चलो ठीक है, जो भी है लड़की अच्छी है, समझदार है, अच्छे से काम करती है, साथ में कोई फालतू का ड्रामा नहीं करती है। कुछ हीरोइंस जिनके नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो बहुत ड्रामे करती हैं। बॉयज भी करते हैं मोस्टली। नहीं करते होंगे, जो भी है अपने को क्या लगता है। लड़कों को भी ऐसा एटीट्यूड रहता है। हमारी बॉन्डिंग अलग है, और ये अकेली इकलौती ऐसी नहीं है, मैं तो सभी जो भी मेरे कोएक्टर्स होती है मेरे साथ काम करती है सबके साथ मैं कोऑपरेट करता हूं अच्छे से। क्या भी उनका भी चाहिए तो कुछ कुछ तो हवस ही रहता है। हां कुछ लोग होते हैं जो लड़कियां भी रहती हैं, लड़के ही नहीं होते, लड़कियां भी अपसी रहती हैं, कुछ कुछ समझ आ जाता है जब आप काम करें तो फील आ जाता है कि अभी ये सामने वाले की फीलिंग्स क्या है, किस तरीके से हमारे साथ काम कर रहा है ना।